तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जो कि आपके ऊब्स के कंसेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आगे पढ़ाता चला गया और आपको पिछला वीडियो का कंटेंट पता ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन चीजों को देखिए, सारी चीजें आपको पता चलेंगी, काफी शॉर्ट में अच्छी तरीके से नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। आखिर होता क्या है? इसमें कह रहा है कि लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, वी कैन आल्सो हैव द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। यानी स्टैटिक मेंबर जो वेरिएबल होते हैं, उसी तरीके से जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी यूज किए जाते हैं। जैसे एक पॉइंट के द्वारा हम देखें, अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यानी कोई भी मेंबर फंक्शन स्टैटिक की तरह डिक्लेयर होगा किस कब, जब उनके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टी होंगी। पहला आपका है कि स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर इन द क्लास। यानी जो स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर होंगे क्लास के द्वारा, उसी के द्वारा स्टैटिक जो फंक्शन होंगे वो भी डिक्लेयर किए जाएंगे। सेकंड है, कह रहा है कि द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड द क्लास नेम एज फॉलोज। जिसमें पहला आपका क्लास नेम, क्लास नेम में क्या है, फंक्शन नेम। स्टैटिक फंक्शन आर यूज्ड टू मेंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ अ क्लास मेंबर फंक्शन अक्रॉस द वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास। ओके, एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय इटसेल्फ। यानी जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो खुद से भी कॉल किए जा सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं एनी ऑब्जेक्ट के द्वारा बाय द यूजिंग नेम। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्कोप, रिजोल्यूशन एंड ऑपरेटर, और इन द कनेक्शन विथ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली हैव एक्सेस टू अदर स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड द फंक्शन डिक्लेयर इन द सेम क्लास। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम विद अ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। यानी ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो डिक्लेयर किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। थर्ड है कि ग्लोबल फंक्शन एंड डेटा में बी एक्सेस्ड बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन। यानी जो ग्लोबल फंक्शन होंगे और जो डेटा होंगे वो एक्सेस किए जाएंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन डज नॉट हैव दिस पॉइंटर। एंड उसके बाद कह रहा है कि देयर कैन बी अ स्टैटिक एंड अ नॉन स्टैटिक वर्जन ऑफ द सेम फंक्शन एंड दे कैन नॉट बी डिक्लेयर एज कॉन्स्ट और वोलेटाइल। यानी कॉन्स्टेंट और वोलेटाइल की तरह ये वर्क नहीं कर सकता। उसके बाद कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन मे नॉट बी वर्चुअल, यानी ये वर्चुअल नहीं होता। देन उसके बाद आपका एक टर्म आता है इसी के अंदर, वो आता है आपका इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि एन इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टाइप क्रिएट विया द न्यू ऑपरेटर। यानी न्यू ऑपरेटर के लिए इंस्टेंट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग, उसके लिए हमने स्टार str यूज किया है न्यू स्ट्रिंग के लिए। और str आपका क्या है, str इज अ पॉइंटर टू एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास स्ट्रिंग। यानी ये पॉइंटर है उस क्लास स्ट्रिंग के लिए। एंड इफ यू वॉन्ट क्रिएट मेमरी फॉर एन ऑब्जेक्ट सो वी कॉल द ऑब्जेक्ट एज इंस्टेंट। यदि मान लीजिए कि हम अपने खुद के मेमरी को बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमारे पास खुद का ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में स्टूडेंट एसटीडी, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, एक प्रकार का क्लास है, और एसटीडी क्या है, एक प्रकार का इंस्टेंस है, मतलब जस्ट ए कॉपी ऑफ अ क्लास। ओके, विद दिस वी वॉन्ट डू एनी थिंग अंटिल अनलेस वी क्रिएट अ मेमरी फॉर दैट। यानी हम कुछ नहीं कर सकते जब उसके लिए हम मेमोरी क्रिएट कर देंगे तो उस कंडीशन में। उसके बाद एक और टर्म आता है जो कि आपका मैसेज पासिंग होता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन ऑपरेटर एंड वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। एंड मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम मैसेज पासिंग का यूज करते हैं, दो सिस्टम के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उन चीजों के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर एंड देयरफॉर विल इन्वोक द फंक्शन इन द रिसीविंग ऑब्जेक्ट दैट जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्लियर? यानी ये जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसको जनरेट करने में मदद करता है। एंड मैसेज पासिंग इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंड। क्लियर? अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि मैसेज पासिंग इज नथिंग बट सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑन इन्फॉर्मेशन बाई ऑब्जेक्ट सेम एज पीपुल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से मनुष्य एक दूसरे के बातों को समझते हैं, जानते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उस तरह से जो आपका कंप्यूटर होता है वो भी अपने बातों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है ताकि वो उन चीजों को समझ सके।
सो दिस हेल्प इन बिल्डिंग द सिस्टम दैट साइमल्टेनियस रियल लाइफ के एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेप इन मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में फॉलोइंग स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है क्रिएटिंग क्लासेस दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बिहेवियर, यानी क्लास को डिक्लेयर करना, क्रिएट करना और उसके बिहेवियर को। सेकेंड आपका आता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास डिफिनेशन, एंड थर्ड आपका आता है स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट इसी में है कि क्रिएटिंग क्लासेस दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बिहेवियर, एंड अगला पॉइंट है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास डिफिनेशन, एंड अगला पॉइंट है आपका स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बेसिक से फंडामेंटल है जो कि आपके इसके अंदर यूज किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि इन ऑप्स मैसेज पासिंग इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के नेम को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।